आत्महत्या के लिए कशेली पुल से कूदने वाली महिला को मुबरा खाड़ी से बचाया। कचरे की गाड़ी के पिछले टायर में आने से 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में लगी आग बुझाई गई, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। रफीक कामदार, हिंदुस्तान डेली रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर मुबरा खाड़ी से है। मुबरा खाड़ी में 22 मई शनिवार सुबह तड़के 7 बजे के करीब मुबरा पुलिस थाने मनपा डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर एक महिला को बचाया। ये महिला कशेली खाड़ी पुल से कूदी थी आत्महत्या करने के इरादे से। सूचना मिलने के बाद इन तीनों टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए इस महिला को बचाया। ये महिला मूल रूप से भिवंडी की रहने वाली बताई जा रही है। ज्योति गुड्डू उपाध्याय, उम्र 28 वर्ष, इस प्रकार से इसकी पहचान हुई है। आत्महत्या करने पर यह महिला क्यों उतारी थी, इसके कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। मारो पानी में उड़ी, पहले बहुत तेरी हो। एचआर तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर कल्याण से। कल्याण के महन सृष्टि फेज 1 और 2 के बीच में श्रीराम चौक है। यहां पर 22 मई शनिवार को दोपहर में एक हादसा हुआ। मनपा की कचरा ले जाने वाली गाड़ी के पिछले टायर में आने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हुई। अमित जगदीश धाकड़ ऐसा इस बच्चे का नाम है। दुर्घटना के बाद बच्चे को रुक्मिणी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया। कल्याण से सटे डुम्बिवली के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज कर पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। एचआर तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर कलवा से सटे बिटावा से, बिटावा के ब्रिज के पास है। यहां पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी और अन्य पुलिस कर्मचारियों ने समय रहते सतर्कता दिखाई। एक सिलेंडर वाहक ट्रक में अचानक आग लग गई थी, जिसे फौरन बुझाया गया। लगभग 249 एलपीजी सिलेंडर लेकर के ये ट्रक उरन से नाला सोपारा जा रहा था, मगर अचानक आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया, मगर मौके पर आग बुझा ली गई। अगर आग नहीं बुझती तो सिलेंडरों के विस्फोट के चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये थी हमारी आज की एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरें।